सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में जो है बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग होंडा की 200cc बाइक के बारे में, जो कि गाइस हाल ही में कुछ रिपोर्ट निकल के आई है कि होंडा जो है अपनी 200cc बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट मंथ। सो आज जो है इसी बाइक के बारे में बात करें कि क्या कुछ ये बाइक आपको देने वाली, मतलब जो है इस बाइक में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, कब तक इंडियन मार्केट में आएगी, क्या कुछ जो है इसकी प्राइसिंग होने वाली है, क्या कुछ इसका नाम होने वाला। सो हर चीज़ के बारे में जो है आज की वीडियो में बात करें। सो वीडियो जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से मिल जाए। इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता दूंगा इस कुछ भी आपके डाउट्स हो तो इस इंस्टा पे मेरे को डीएम कर देना, आपको जो है वहां पे इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। एमआरडी ब्लॉग समसमरी आईडी है, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसलिए इस बात करते हैं इस बाइक के बारे में। गाइस सबसे पहले आपको बता दूं इसके नेम के बारे में। नेम जो है मैं भी कंफ्यूज हूं, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, बिकॉज यहां पे कोई बोल रहा है कि भाई हॉर्नेट 200 आ रही है, कोई बोल रहा है सीबीआर 200 आ रहा है, कोई बोल रहा है सीबी 200। सो गाइस यहां पे जो है लोगों ने आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिया है। सो गाइस मैं आपको बता दूं यहां पे जो है ये बाइक आने वाली है सीबी 200 आर के नाम से। यहाँ पे ये जो बाइक है सीबी 190 आर से कन्वर्ट होके सीबी 200 आर में आने वाली है। इस बाइक में जो है आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, मतलब जो है आपको जो इंटरनेशनल मार्केट में 190 आर में मिलने वाला है उससे जो है काफ़ी ऊपर मिलने वाला है। उसमें तो आपको यार यदि मैं बताऊँ तो कुछ भी नहीं मिलता, मतलब पावर वो मिलती है जो आपको हॉर्नेट में ही मिल जाती थी। तो यहाँ पे जो है गाइस आपको सीबी 200 आर देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में नेक्स्ट मंथ, जो है ये बाइक देखने को मिल जाएगी। सो गाइस मैं आपको बता दूँ होंडा जो है इस बाइक को क्यों लॉन्च कर रहा है, बिकॉज अभी जो है होंडा के पास 200cc 250cc 300cc में कोई भी बाइक नहीं है। उस वजह से जो है होंडा अब 200cc बाइक भी लॉन्च करेगा, 250cc एंड 150cc भी लॉन्च करेगा। आपकी जो सीबी 150 आर है उसके भी चांसेस अभी बढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे गाइस। एंड यहाँ पे गाइस आपको बता दूँ सीबीआर 250 जब से डिसकंटिन्यू हुई है, जब से जो है होंडा के पास कोई भी बाइक नहीं बची, बिकॉज सीबीआर 250 ही थी जो कि मतलब सेगमेंट को कवर करती थी, बाकी अभी जो है कोई भी होंडा की तरफ से बाइक नहीं थी। उस वजह से जो है गाइस अभी जो है 200cc में एंट्री करने वाला है होंडा। तो चलिए इस बात करते थी बाइक के बारे में। गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो बाइक है आने वाली है 199cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FIBS6 लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में। इस बाइक में जो है गाइस लगभग 20 से 22 bhp तक की पावर आपको मिनिमम मिलने वाली है। टॉर्क आपको लगभग 18 टू 19 न्यूटन मीटर तक का मिल जाएगा। अभी जो है एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आए, जैसे ही एग्जैक्ट फिगर्स आएंगे मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। गाइस इस बाइक में जो है आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाएगा, ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा। बाकी गाइस बाइक में जो है आपको फुली LED टेल लाइट, फुली LED हेडलाइट, हेडलाइट जो है काफी जबरदस्त होने वाली इसकी। एंड यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स भी मिल सकते हैं जो कि आपको एक्सट्रीम वगैरह में मिलते हैं, उसी स्टाइल के जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि होंडा ज्यादातर यूज करता है। गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स एंड रियर में जो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ जो है आपको ये सस्पेंशन सेटअप मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे जो आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर वगैरह, माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इजिली मिल जाएगी बाइक में, बाकी आपको बेसिक फीचर्स भी मिल जाएंगे। गाइस यहाँ पे टायर्स आपको मिल जाएंगे, फ्रंट में जो है आपको 110x70, रियर में जो है आपको 140x70 साइज का टायर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है 17 इंच के आपको टायर्स मिलने वाले। लॉन्च की बात करूँ उसके मैंने आपको पहले ही बता दिया है नेक्स्ट मंथ जो है बाइक लॉन्च हो जाएगी। तो इस प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग जो है 1.50 लाख तक इसकी एक्सशोरूम प्राइस जा सकती है, ऑन रोड जो है लगभग जाएगी ये 1.70 लाख तक। सो 1.70 तक भी जाती है तो यार काफी अच्छी प्राइस जो है इसकी हो सकती है, एंड यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी भी हो सकती है। सो ये अभी देखना ये है कि लॉन्च पे इसकी क्या प्राइस निकल के आती है। बाकी आप इसके लिए वेट कर सकते हो, कोई भी डाउट्स तो इंस्टा पे डीएम करो, वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।